Hello Victor, let's read this question. So this question says, a physical quantity of the dimension of length that can be formed out of cg and e square by 4 pi epsilon naught, where c is the velocity of light, g is universal gravitation constant and e is the electronic charge. ठीक है, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, ठीक है, लेंथ की डायमेंशन बेसिकली आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करानी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों का लिख सकते हैं. देखिए ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड है. ठीक है, डायमेंशन पर बेस्ड ही आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए. ठीक है, डायमेंशन तो जस्ट एक नंबर होता है. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का मतलब देखिए हमें पूरी डिपेंडेंसी बताने पड़ेगी. ठीक है, तो अब देखिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के डायमेंशन देखिए, लेंथ आपका किस किस पर डिपेंड कर रहा है, सीसी के स्पीड ऑफ लाइट इस पर मान लीजिए आपकी अल्फा से रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जी आपका मान लीजिए किससे, बीटा से रिप्रेजेंट करता है. थर्ड क्वांटिटी की आपकी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन r. ठीक है, इस पर मान लीजिए आपका डेल्टा से रिप्रेजेंट करता है. तो आपको बताना है कि रिलेशन बताना है कि बीच में. ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेंथ की डायमेंशन आपकी लेंथ हो जाएगी. ठीक है, तो एम जीरो एल वन टी जीरो ये लिख लीजिए इसको. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, अब सी क्या है, इसे वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है, टी पावर आपके यहाँ पर अल्फा कर लीजिए. ठीक है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन देखिए क्या, जी होता है आपका एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, तो जाएगा आपका फोर्स आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका मास का स्क्वायर. ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एम एल टी माइनस टू, वहां पर से आपका आर एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर से आपका एम टू हो जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम की पावर कितना, माइनस वन, एल थ्री और टी कितना, माइनस टू. ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए. देखिए एम माइनस वन एल थ्री टी की पावर कितना, माइनस टू टू की पावर बीटा. ठीक है, बेसिक है. ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लिया, ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये तो देखिए बच्चों फोर्स ही है ना बेसिकली आपका, सॉरी फोर्स नहीं, फोर्स इनटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है. ठीक है, जैसे आपका फोर्स क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल में मान लीजिए ई ई चार्ज है उनका. ठीक है, दो आपके प्रोटोन है, उनके बीच में रिपल्शन फोर्स क्या होगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ठीक है, तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन इसके इक्वल होगी. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल, आपकी फोर्स इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन पे. ठीक है, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू. ठीक है, और एल स्क्वायर पीछे से और मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए एम एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू की पावर आपका डेल्टा. ठीक है, अब बच्चों देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका राइट साइड से स्टार्ट कर, देखिए मास कितना आपका, मास है आपका माइनस बीटा प्लस आपके यहाँ से डेल्टा. ठीक है, लेंथ कितना है, लेंथ है आपका एल्फा. ठीक है, प्लस आपके यहाँ से थ्री बीटा प्लस आपका कितना है, थ्री गामा, सॉरी थ्री डेल्टा. ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम आपका माइनस अल्फा माइनस टू बीटा और माइनस टू गामा. ठीक है, ये है ऑलराइट. तो अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मास देखिए यहाँ पर, यहाँ पर तो आपका एम जीरो है, एल वन है, टी कितना है, जीरो है. ठीक है, तो माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा प्लस डेल्टा जीरो के इक्वल है, तो बीटा आपका डेल्टा के इक्वल हो गया. एक पर तो आपकी यहाँ पर ये निकल गई. ठीक है, और सेकंड पर देखिए आपका अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री डेल्टा. ठीक है, बीटा और डेल्टा इक्वल है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री डेल्टा को यहाँ से सिक्स बीटा लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है. ठीक है, तो एक रिलेशन मेरे यहाँ से ये पता चल गया. ठीक है, और थर्ड पर देखिए कि आपका माइनस अल्फा माइनस टू बीटा आपका माइनस टू डेल्टा के इक्वल है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अल्फा प्लस टू बीटा आपका किसके इक्वल है, माइनस टू डेल्टा के इक्वल है. ठीक है, और अल्फा अल्फा और बीटा की, सॉरी बीटा और गामा की वैल्यू सेम है ना, तो आप इसको ऐसा कर दो ना, फिर इनसे अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ये टू बीटा और गामा सेम है, तो आपसे आपका माइनस फोर बीटा लिख लीजिए. ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन वन बोल दीजिए और इसको आप इक्वेशन टू बोल दीजिए. ठीक है, अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आप काम करा जाएगा. माइनस फोर बीटा अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो माइनस फोर बीटा प्लस सिक्स बीटा कितना, टू बीटा, टू बीटा कितना, वन, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी, वन बाई टू के ऊपर, बीटा की वैल्यू वन बाई टू, तो डेल्टा की वैल्यू भी आपकी वन बाई टू. अब एल्फा फाइंड आउट करना है, एल्फा कितना, माइनस फोर टाइम्स इतना, तो आपके यहाँ से एल्फा जाएगा माइनस टू के ऊपर, तो एल्फा बीटा गामा बच्चों टू में वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बस आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए. सी एल्फा कितनी है आपकी, सी की पावर माइनस टू. ठीक है, तो सी की पावर माइनस टू को मैं वन ओवर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, जी की पावर बीटा यानी कि अंडर रूट ऑफ जी है. ठीक है, तो जी आप जी, अच्छा जी, और देखिए जो आपका यूज कर रहा है फोर का, दोनों की वैल्यू आपकी सेम ही वन बाई टू है. ठीक है, तो ये आपका वन बाई टू पेपर लगेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए. तो उसको लेके अगर हम ऐड करूँ तो वन ओवर सी स्क्वायर इंटू इंटू ई स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन होगा, देखिए दो ऑप्शन आ रहा है ना, वन ओवर सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर बाई फोर की पावर वन बाई टू होना. ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा, तो बी ऑप्शन मिल जाएगा आंसर. राइट, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट इन इंग्लिश.